Elixir Esports presents. We are back in match number 5, which is Erangel. This is a basic map of PUBG Mobile. ग्रुप ए एंड ग्रुप सी इस वाले मैप में आपको खेलती हुई नज़र आएगी। सभी टीमों ने यहाँ अपना अपना ड्रॉप लोकेशन लेना स्टार्ट कर दिया है। 7 ने में यहाँ पे 2 टीम उतरी है। यहाँ अर्ली एंगेजमेंट हो चुकी है। फ्रॉस्टी वर्सेस नशा होता हुआ दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। फ्रॉस्टी के स्लाइडर के पास यहाँ एक है, मैं दिखते हैं इस वाली फाइट को स्लाइडर कैसे निकालना चाहेगी। स्लाइडर तो यहाँ पे नॉकआउट कर दिया इंस्टेंटली और उनको फिनिश करना चाहिए, बट उनके बाकी के प्लेयर्स भी नीचे हैं। यहाँ पे दूसरी साइड से टीवी भी लेना चाहिए और यहाँ पर लेवल 2 का हेलमेट भी स्लाइडर को मिलता है। इतने में नशा का डोप भी यहाँ ऊपर चल रहा है, टीवी भी ले रहे हैं और दिया है और इंस्टेंटली पनिश करेंगे उनको भी। स्लाइडर यहाँ पे एक एम का बहुत ही बढ़िया प्रयोग करते हुए, बट उनके सामने विस्की भी आते हुए पूरी ट्राई कर दिया और इंस्टेंटली फिनिश भी कर दिया। और यहाँ पे पीपी भाईजन के द्वारा बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए स्लाइडर के लिए यहाँ पे 1v2 का सीनारियो बन चुका है। नशा के 2 प्लेयर करके आ रहे हैं, उनको चौथे प्लेयर को भी नॉक कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। बट यहाँ पे जॉन की बात करें तो जॉन थोड़ा सदर्न साइड पे बनता हुआ सभी टीमों को यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे यहाँ पे M416 से यहाँ पे मैडम के कर्मा नॉकआउट हो चुके हैं। मिनी फॉर्मिंग के कभी शॉर्ट फायर होते जा रहे हैं, देखते हैं मैड बक्स यहाँ पे कैसे बचती है। एक्सट्रीम आउटकम के प्लेयर्स भी यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे उनकी नज़रें नाइट राइडर्स के प्लेयर्स पे है। नाइट राइडर्स भी यहाँ पे दिक्कत में आती हुई इस वाली फाइट को वो कैसे एंगेज करेंगे। फायर करते हुए बट यहाँ क्रेजी अक्सर को यहाँ पे इंस्टेंटली डाउन कर दिया और फिनिश भी कर दिया है। एरो ऑफिशियल यहाँ पे बहुत अच्छा खेलती हुई, बट यहाँ आ रहा है जिंटू भी DMRs के प्लेयर्स को स्पॉट करना चाहेंगे और उनको इस वाली रिवर क्रॉस नहीं करने देगी। DMRs के प्लेयर यहाँ पे दिक्कत में आते हुए एंड के विराट ने यहाँ पे एक तो अमृत को नॉक कर दिया, स्पाइक ने उनको फिनिश कर दिया, हनी ओपी ने यहाँ पे DMR नोवा को नॉक कर दिया, एंड के विराट नॉक कर दिया है और स्पाइक ने उनको बाज को फिनिश भी कर दिया है। TNT एम्परर ने यहाँ पे ग्रुप को भी नॉक कर दिया है। जोकर ओपी वो टीम को कंप्लीट करना चाहेंगे। यहाँ पे बहुत ही बड़ी फाइट चलती है। फोनिक्स के प्लेयर ने यहाँ एंड के प्लेयर को भी यहाँ पे नॉकआउट किया है एंड बॉक्स को साथ तक कर गया है। TNT जोकर ओपी पोजीशन निकाल रहा है, चला रहे हैं 10 पास गाड़ी नहीं है क्या तेरे पे, उनकी स्कोर को यहाँ दिक्कत। अरे पीछे साइड नहीं थी क्या, इस तरफ DMR के ड्रू यहाँ रिवर क्रॉस करते हुए आ चुके हैं इस वाली फाइट पे एंगेज करने के लिए। देखते हैं इस वाली फाइट में क्या कहेंगे। फॉरेस्ट का अंकुश आपके स्क्रीन ऊपर दिख रहा है, वो यहाँ पे रियोट के सनी भी यहाँ पे रिवर के अंदर है। एक्सेम्पर यहाँ पे नेड कर रहे हैं, बट वो नेड कनेक्ट नहीं होगा इस वाली फाइट में। देखते हैं आगे क्या होता है। बट यहाँ पे DMR ध्रुव ने यहाँ पे 10+ नूब को नॉकआउट कर दिया है। अनी ओपी ने यहाँ पे DMR ध्रुव को नॉकआउट कर दिया है इंस्टेंटली और 10+ नूब को यहाँ रिवाइव दिया जाएगा इस वाले फाइट में। ये गाड़ी पूरी फोड़ दी हम लोगों ने। अबे राइट में एक बाइक है, सीरियस राइट में बाइक का यहाँ पे हॉल पे अपने प्लेयर को कुछ सिखाने की ट्राई कर रहे हैं प्लेयर्स के, ऐसा मत करो ऐसा मत करो। बट यहाँ पे 10+ लूप और उनकी अनशॉट पूरी टीम को यहाँ पे बढ़िया जोन फेवर करता हुआ अभी के लिए। मैडमैक्स भी जोन में, एरो ऑफिशियल भी जोन है। जोन बिल्कुल ही ऊपर की साइड थोड़ा बना है, पर यहाँ पे एक्सो के सीरियस यहाँ पे बाइक लेना के जाना पसंद करेगी, रोटेशन मारना अपनी सीने। यहाँ पे एंड वर्सेस फोनिक्स होता हुआ आरपीएस वेटर ने यहाँ पे एंड पे विराट को नॉकआउट कर दिया है। M416 से अंकुश ने यहाँ DP के द्वारा वेनम को भी नॉक पूरी की पूरी स्क्वाड लेती जाती हुई फोनिक्स की टीम। यहाँ पे जॉन देखते तो जॉन थोड़ा सेंट्रलाइज बना है। जॉन ने यहाँ पे अभी तक मैडमैक्स TNT और काफ़ी हद तक यहाँ पे वन शॉट भी है। बाकी की टीम को यहाँ अंदर की तरफ रोटेशन मारना पड़ेगा, एरो ऑफिशियल को ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। बट यहाँ पे
संभावना हो यहाँ पे हो चुकी है। फोनिक्स ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, यहाँ एक एम द्वारा एक प्लेयर को नॉकआउट कर दिया है, बट यहाँ पे दूसरा प्लेयर देखो भी यहाँ पे नो इंस्टेंटली नॉक करती है और यहाँ पे दोनों की भी यहाँ पे सिक्योर करना चाहिए। अच्छा ये बाकी दोस्त है यहाँ पे किसी की तरफ नॉकआउट किया अपन इंस्टेंटली वो भी नॉकआउट हो गई। यहाँ पे खाली हैरी बचे, हैरी यहाँ पे देखिए मारने का ट्राई कर रहे बट वो भी यहाँ पे इंस्टेंटली फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप आउट हो चुकी है। फॉरिक जल्द से जल्द यहाँ लूट उठा के यहाँ पे जॉन में जाना पसंद करेगी, जॉन उनकी तरफ नहीं है और यहाँ पे एक्सो की सीरियस यहाँ पे पूरा रोटेशन मार के जाना जाएंगे बट वो लगभग यहाँ रोटेशन मार पाएगा बट वो सामने एक्स एम्पर के आ गए। यहाँ पे इंस्टेंटली लेट गई है, चालू बाइक में से कूद गए यहाँ पे लेट गए बट यहाँ एक्स एम्पर यहाँ लेट करने का ट्राई कर रहे हैं। लेट गया और वो भागने की कोशिश में यहाँ पूरे का पूरे फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पे एक्सो भी एग्जिट मारती हुई एक्सट्रीम आउटकम भी यहाँ निकलती हुई इस वाली फाइट में किल फिट चालू हो चुकी है बट वन शॉट के यहाँ प्लेयर्स रुकने का नाम नहीं दे रहे, एक के बाद एक टीम को वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं और पूरा का पूरा फिनिश करने के लिए ट्राई कर रही है बट उतने में हैरो ऑफिशियल यहाँ पे जॉन में आ चुकी है ब्रिज क्रॉस करके। RPX के मैनम ने यहाँ D2H के प्लेयर को नॉकआउट किया है M416 से और देखते हैं इस वाले फाइट में आगे क्या होगा क्योंकि यहाँ पे दूसरी फाइट चल चुकी है। हेरो के प्लेयर यहाँ पे गाड़ी का कवर लगा रहे हैं क्योंकि फाइनल में उनको फ़ायदा हो अगर जोन उनकी तरफ बने तो। TNT के प्लेयर यहाँ पे TP भी लेते हुए उनको पता है कि सामने के पास साइड वन शॉट की पूरी टीम रहने वाली है उनके सामने और वन शॉट यहाँ जल्द से जल्द जोन में एंटर करना पड़ेगी TNT से फाइट लेके या फिर रोटेशन मार के। RR की जिंटू यहाँ पे लूट कंप्लीट कर रहे हैं इस समय, अनी ओपी यहाँ पे बिनी पॉटिंग मैडमैक्स में यहाँ पे M24 से प्लेयर को स्पॉटिंग करने के लिए ट्राई कर रहे हैं बट उनके पीछे एरो ऑफिशियल का पूरा स्क्वाड आ चुका है और यहाँ पे एरो विलन्स और सब गाड़ी लेके रोटेशन करना पसंद करेंगे और अच्छी सी जगह पे वो अपनी कवर बनाएंगे। यहाँ सभी टीमों यहाँ पे जॉन पे आना पसंद करेगी क्योंकि जीस वाला जॉन बहुत ही ज़्यादा डैमेज करने वाला है। एरो के जीतू ओपी ने यहाँ पे सामने प्लेयर्स को स्पॉट कर दिया है M416 से। एरो ऑफिशियल की टीम यहाँ पे क्रेजी की टीम को यहाँ दिक्कत में डाल रही है और यहाँ पे एरो के राजा के हाथ में कार 98 बट यहाँ एरो ऑफिशियल का एक प्लेयर नॉकआउट और इंस्टेंटली फिनिश कर चुके हैं। RPX मैनम यहाँ दो किल के साथ बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हो। एरो के राजा यहाँ स्मोक कर रहे हैं आसपास के प्लेयर उनको इजीली स्पॉट ना कर रहे बट RPX मैनम यहाँ रैंडम फायर करने की ट्राई कर रहे हैं। एरो के राजा यहाँ प्लेयर स्पॉट कर रहे हैं बट उनको काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ा बट उन्होंने आखिरकार RPX मैनम को फिनिश कर दिया है। तो यहाँ पे सभी टीम को यहाँ जोन के अंदर प्रवेश करना चाहिए और जोन यहाँ पे देखे तो वेस्टर्न तरफ थोड़ा शिफ्ट मारा है। यहाँ पे मैडमैक्स की स्क्वाड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एरो ऑफिशियल भी यहाँ पे जॉन पे है, TNP भी जॉन पे है बट यहाँ पे वन शॉट लाइकन और इन सभी टीमों को प्रॉब्लम होने वाली है। फोनिक्स के यहाँ नॉकआउट पड़े हैं एक प्लेयर शायद तक और इस ये वाले जॉन में काफ़ी सारी टीमों को दिक्कत होने वाली है। एरो के ऑफिशियल यहाँ पे टीम पूरी की पूरी गाड़ी सेट करने के लिए लगी हुई है बट उतने में देखे तो दूसरी तरफ भी यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे फाइट चल सकती है। लाइकन वर्सेस वन शॉट होता हुआ दिखेगा बट यहाँ पे TNG के एक मेंबर ने यहाँ पे फोनिस के एक मेंबर को डाउन किया है बट यहाँ पे क्रेजी की टीम या एरो ऑफिशियल के प्लेयर्स पे घात लगा के बैठी है पर क्रेजी के यहाँ पे एक और प्लेयर M416 के साथ एरो ऑफिशियल की टीम को अंदर नहीं आने देगी। जो हम आ चुके हैं फाइनल 6 टीम पे, 20 प्लेयर सभी भी अलाइव है इस छोटे से सर्कल पे। ये वाला सर्कल बहुत ही रोमांचक होता हुआ बट एरो के एक प्लेयर ने यहाँ पे फोनिक्स के एक प्लेयर के लिए दिक्कत दे चुके हैं, वहाँ पे नॉकआउट कर दी। एक्स एम्पर ने यहाँ पे मैडमैक्स के प्लेयर को मीत को यहाँ पे नॉकआउट कर दी। मैडमैक्स के मीत को यहाँ रिवाइव चाहिएगा बट RR क्योंकि जिंटू यहाँ रिवाइव करने नहीं देंगे पूरा
वन शॉट की टीम यहाँ पे पूरा का पूरा रस करना चाहेगी। वो यहाँ पे चिंटू आगे की तरफ कमांड संभालते हुए निकल चुके हैं। यहाँ पे मैडमेक सत्यन कवर फायर देना चाहते हैं, पर मैडमेक सत्यन भी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। बट यहाँ पे वन शॉट का एक प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट है, बट यहाँ स्मोक किया गया है। दूसरी साइड देखे तो यहाँ पे एक्स एम्परर एंगल ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे अनी ओपी भी यहाँ पे स्प्रे डाउन कर रहे हैं। मैडमेक्स के प्लेयर्स पे शॉट कनेक्ट हो जाए जैसे तैसे, ये वाली फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाली, क्योंकि ये कंपाउंड जोन में है पूरा। फैन पास नोबिया साइड में से रोटेशन मार के यहाँ पे मैडमेक्स के प्लेयर को स्पॉट करना चाहिए। एक प्लेयर को स्पॉट किया है, बट वो प्लेयर ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके हैं। और लास्ट प्लेयर यहाँ पे मीत को यहाँ पे मॉली डाली गई है अंदर। वन शॉट के प्लेयर यहाँ पे पूरा का पूरा डोमिनेशन दिखा रहा है इस वाली सर्कल में। और दूसरी तरफ देखे तो फोनिक्स वर्सेस यहाँ पे टीएनटी होता हुआ नजर आएगा। डी2एच के प्लेयर्स भी यहाँ पे एरो ऑफिशियल्स के लिए दिक्कत दे रहे हैं। यहाँ पे चारों तरफ फाइट चल चुकी है, फाइव टीम्स हमारे सामने आ चुके हैं। टॉप फाइव टीम्स फोनिक्स के प्लेयर्स यहाँ मिनी बॉडी लेके प्लेयर्स स्पॉट कर रहे हैं। वेनम गॉड यहाँ पे डैमेज कर दिया है। अनी ओपी ने यहाँ जोकर ओपी है, जीटू ने यहाँ एरो के प्लेयर को, आरपीएक्स जय ने टीएनटी के प्लेयर को, एरो राजा ने यहाँ की जिंटू को टी, अनी ओपी ने एरो यूनिट को, एरो राजा ने यहाँ टी, अनी ओपी को यहाँ पे एक्स एम्परर ने यहाँ पे फोनिक्स से और एक प्लेयर को नॉकआउट कर दिया है। यहाँ पे वन शॉट की टीम सारी टीमों से फाइट लेते हुए और जहाँ वहाँ ओपन में मारते हुए कोई भी प्लेयर नजर आते हैं तो वन शॉट यहाँ पे इंस्टेंट की फायर करके उस प्लेयर को नॉक कर रहे हैं। बट सामने भी टीम से उनको जवाब दे रहे हैं। ब्लास्ट कर दिए यहाँ पे एरो के राजा ने, पूरी पूरी गाड़ी ब्लास्ट कर दी है और इनको टीम सिक्योर हो चुका है। बट दूसरी तरफ देखे फाइनल फोर टीम आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। एक्स एम्पर यहाँ पे पूरा डोमिनेशन दिखा रहा है, 8 kills उनके अकेले की है। यहाँ पे पूरी की पूरी वन शॉट की टीम के यहाँ काफ़ी अच्छे पॉइंट मारा है। और यहाँ पे जो पुलिस करते हैं बट अनी ओपी ने यहाँ टीएनटी के एम्परर को भी डाउन कर दिया है। यहाँ पे 2v आपकी स्क्रीन पे हो चुका है 1v4 का सिनेरियो। यहाँ पे देखते हैं इस वाली फाइट को टीएनटी कैसे निकाल सकते हैं। क्या उंडा प्रदर्शन किया है, बॉय 19 किल निकाल चुकी है इस वाली फाइट में। अगर टीएनटी की ये प्लेयर कुछ कर पाए वो डैमेज आ चुका है सभी तरफ हो रहे हैं। वो प्लेयर वहाँ जियारा की चिंटू यहाँ बहुत नजदीक आ चुके हैं। फाइनल किल यहाँ पे आरआर की झिंटू लेके जाते हुए। सबके सब लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हम बने रहेंगे एडिक्शन स्पोर्ट के साथ। लाइक करने में कंजूसी मत करिए।